हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे पांच इजी और इंटरेस्टिंग गेम जो आप कार्ड से खेल सकते हैं। आप ये सब गेम अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कार्ड्स खेलने के लिए पहले आपको कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए एक बार कार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। तो एक डेक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो ये टोटल 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो जिसमें चार सूट होते हैं। सूट मतलब ये जो पान के पत्ते सब बने रहते हैं, इसे सूट कहा जाता है। तो इसमें चार तरीके के सूट होते हैं। तो देखिए, एक होता है ये पान, इसे स्पेड्स बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पान, ठीक है। एक होता है ये चिड़ी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लब, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चिड़ी, ठीक है। और ये होता है ईंट, इंग्लिश में इसे बोलते हैं डायमंड, ठीक है। और एक ये लास्ट होता है सूट, ये हार्ट, इसे हिंदी में बोलते हैं दिल, इंग्लिश में हार्ट, ठीक है। तो ये चार होते हैं सूट एक कार्ड में, 52 कार्ड्स में। ये 13-13 होते हैं, 13 ये 13 ये 13 ये 13 ये, ठीक है। और हर सूट में 2 से लेकर पूरे A तक होते हैं। जैसे कि ये 2 हो, सबसे कम 2 माना जाता है, फिर इससे ज़्यादा 3, फिर इसी तरह पूरे 10 तक रहते हैं नंबर से। और फिर उसके बाद ये 4 फेस कार्ड होते हैं सब में। एक होता है जैक, जिसे गुलाम बोला जाता है, क्यू यानी कि बेगम, के किंग बादशाह, और ये ए इक्का, इक्का सबसे बड़ा होता है, ठीक है। कोई भी पत्ता इक्के से बड़ा नहीं है, इक्का अगर किसी ने डाला है तो वही जीतेगा, ठीक है। ऐसी सब में है, सब में इक्के, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम और 2 से लेकर 10 तक रहता है। तो अगर आपको कार्ड के बारे में समझ आ गया हो तो चलिए पहले गेम के बारे में बताता हूँ। इस गेम का नाम है कॉल ब्रेक, या हिंदी में इसे बोलते हैं लकड़ी, ठीक है। इस गेम में ये जो कार्ड्स हैं इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जितने प्लेयर्स हैं उसमें। ये गेम आप कितने भी प्लेयर के साथ खेल सकते हैं, 2 या 2 से 9 के बीच में, जितने प्लेयर्स के साथ चाहेंगे उतने प्लेयर के साथ खेल सकते हैं। तो ये कार्ड से इसे इस तरह शफल किया जाता है, ठीक है, इस तरह इसे मिला के बांटते हैं कार्ड, जितने प्लेयर हैं उस हिसाब से कार्ड बांट लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल के लिए 5-5 कार्ड ही बांटता हूँ, ज्यादा ज्यादा नहीं। जैसे 5 कार्ड ये मैंने बांटे प्लेयर 2 को, और 5 कार्ड ये मैंने अपने आप को प्लेयर 1, ठीक। तो इस गेम में कुछ रूल्स होते हैं। पहला कि जैसे कि ये कार्ड, मैंने अपने कार्ड इधर ये देखे, ठीक है, ये मेरे कार्ड्स हैं और ये सामने वाले का। आपको अपने कार्ड से छुपा के रखने, दिखाने नहीं किसी सामने वाले प्लेयर को, ये हैं, ठीक है। तो अब आपको ये देख के पहले कॉल करना होगा कि आप कितने मैच जीत सकते हैं। जैसे कि इस वाले में देखें तो ये इक्का है, ये तो पक्का जीतेगा। किंग है तो जीतने के मतलब काफी चांसेस है, क्वीन के भी जीतने काफी चांसेस हैं, और ये गुलाम के भी जीतने काफी चांसेस हैं। तो मान लीजिए इसने बोल दिया कि 4, अब इसे 4 या उससे 1 में प्लस माइनस में बनाना होगा। अगर उसने 5 बनाया तो जीतेगा, 4 बनाया तो जीतेगा, या 3 बनाया तो जीतेगा। अगर उसने उससे कम बनाया फिर सामने वाला जीत जाएगा। और जैसे कि ये है तो इसका इधर अभी वैसे भी इसमें ये जीतने का इसका मुश्किल लग रहा है, तो मान लो कि 1 जीतेगा, इसने बोल दिया 1, या तो अभी 1 जीतेगा या 1 भी नहीं जीतेगा या 2 जीतेगा। अगर इससे ज़्यादा जीतता है तो इसके पॉइंट माइनस किए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इस गेम को स्टार्ट करते हैं। और इसमें एक यूज होता है ट्रम्प कार्ड। ट्रम्प कार्ड क्या कौन सा होता है, जैसे कि सामने वाले ने अगर इस सूट का पत्ते डाले, जैसे कि ये है पान, तो आप इसको भी पान के ही पत्ते डालने पड़ेंगे अगर इसके पास पान के पत्ते नहीं हुए, ठीक है। अगर इसके पास पान के पत्ते नहीं हुए तो ये दूसरे कोई से और पत्ता डालेगा और वो पत्ता बन जाएगा उसका ट्रम्प कार्ड। और ट्रम्प कार्ड से किसी भी कार्ड को काटा जा सकता है, मतलब अगर सामने कोई सा भी कार्ड हो और आपने अगर ट्रम्प कार्ड डाला तो आप जीतेंगे, चाहे उसने इक्का डाला हो, क्वीन डाला हो, किंग डाला हो। अगर ट्रम्प कार्ड डाला है तो ट्रम्प कार्ड डाला तो आपका हो गया, ठीक है। तो जैसे कि इसमें है तो एक गेम प्ले इसका दिखा देता हूँ। जैसे कि इसने पहली चांस स्टार्ट की, इसने इक्का डाला, ठीक है। अब
आपके पास इसने चिड़ी का इक्का डाला, तो अब आपको भी चिड़ी का कार्ड डालना होगा। अगर चिड़ी का कार्ड नहीं है आपके पास तो आपको एक ट्रम्प कार्ड बनाना होगा। और इसमें देखें तो सब पान के पत्ते ही हैं, जैसे कि ये वाला डाल दिया, ठीक है, तो ये आप जीत जाएंगे क्योंकि आपने ट्रम्प कार्ड डाला है। और देखें तो ये पूरे आपके पास ट्रम्प कार्ड ही है, मतलब आप जीत जाएंगे काफी सारे मैचेस, ठीक है। जैसे कि अब उसने क्वीन, अब आपकी आपने जीता है, तो आपने आप ये 7 डालोगे पान का पत्ता, तो अब उसके पास अगर ये पान का पत्ता है तो उसे पान का पत्ता डालना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो फिर वो दूसरा कोई सा डालेगा। जैसे उसके पास अभी पान का पत्ता है, उसने डाला, ये 7 2 से बड़ा है तो आप जीत जाओगे। वैसे ही अब अगर आपने जैसे 6 डाल दिया, ठीक है, तो अब वो कुछ भी डाले वो नहीं जीत सकता, क्योंकि उसके पास चिड़ी के कार्ड हैं और आपने पान के पत्ते डाले हैं, और पान के पत्ते इसमें ट्रम्प कार्ड भी है, ठीक है। तो इसी तरह गेम चलता है, और लास्ट में जो सबसे ज्यादा हाथ जीतता है वो विनर माना जाता है। सो गाइस, अगर आपको सेकंड फर्स्ट गेम आ गया हो खेलना, तो बढ़ते हैं अपने सेकंड गेम की तरफ। सेकंड गेम का नाम है वॉर। ये गेम सिर्फ 2 प्लेयर खेल सकते हैं, ठीक है। और इस गेम में ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपको पूरे 52 कार्ड्स अपने पास करना है, ठीक है। इसमें कोई सूट का वो नहीं रहता है कि जैसे कि अगर सामने वाले ने पान डाला है तो आपको भी पान डालना है। इसमें आप बिना देखे डालते हैं जो सबसे ऊपर कार्ड हो, ठीक है। अभी मैं गेम बताऊं, एक बार खेल के दिखाऊंगा तो आपको आ जाएगा समझ में। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं 5 5 पत्ते बांट रहा हूं, ठीक है, ये 5 5 पत्ते बांट लिए। अब क्या करना है कि जैसे बिना देखे ये दोनों रखें, ठीक है। अब प्लेयर वन को बिना देखे पत्ते डालने हैं, प्लेयर टू को भी बिना देखे पत्ते डालने हैं। तो जैसे प्लेयर वन ने बिना देखे डाला 3, ठीक है, तब प्लेयर टू को बिना देखे डालना है 1। तो अब इसमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कौन सा सूट है, जो बड़ा होगा वो ले जाएगा। तो ये इसका हो गया, ठीक है। फिर से अब जैसे ये चला 7, तो ये चलेगा के, ठीक है, तो ये बड़ा है तो ये ले जाएगा। अब ये रहा जैसे 3, और इसने चला 2, ठीक है, तो ये ले जाएगा। फिर इसने चला के, और फिर इसने चला के। अब अगर दोनों सेम पत्ते आ गए तब वॉर बिगेन होती है। तो इसमें इसमें क्या करते हैं कि एक एक कार्ड दोनों जन बिना देखे रखते हैं, ठीक है। जैसे ये दोनों कार्ड बिना देखे रखा और ये 2 बचा है, और फिर ये तीसरा वाला रखेंगे, और दोनों जन ने रखा, और तीसरा वाला जो जीतेगा, जैसे 7 है ये 6 है, तो ये 7 जीत गया, तो ये पूरे 6 कार्ड इसके हो जाएंगे। और ये कार्ड जो ढके थे इससे कोई मतलब नहीं, कोई सा भी हो, ठीक है। जैसे ये 1 का था, इस तो इस तरह बड़े नंबर भी मिल सकते हैं। तो ये है वॉर गेम, ठीक है। तो अगर आपको वॉर गेम भी आ गया समझ में, तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे गेम की तरफ। तो गाइस, हमारे थर्ड गेम का नाम है ढेला पकड़, ठीक है। ये 4 प्लेयर वाला गेम है। इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो 10 नंबर वाले कार्ड है, जैसे ये टोटल 10 नंबर वाले 4 कार्ड होते हैं, ठीक है, जो 10 नंबर वाले कार्ड हैं वो अपने को लेना है। इसमें जो 4 प्लेयर हैं सामने सामने वाले एक टीम में रहते हैं, ठीक है। और इसमें ये आपका ऑब्जेक्टिव मेन ये रहता है कि आपको ये 10 कार्ड पूरे लेने हैं अपने तरफ। तो अगर आपने 3 कार्ड ले लिए और सामने वाले ने 1 कार्ड लिया तो आप विनर, ठीक है। अगर सामने वाले के पास भी 2 10 चले गए हैं और आपके पास भी 2 10 गए हैं, तो फिर इसमें जो आप ये हाथ टोटल जीते हैं वो गिना जाता है। तो इसे किस तरह खेलते हैं एक बार मैं एक एग्जांपल दे दूं। जैसे कि ये कार्ड्स हैं प्लेयर वन के, और ये कार्ड्स हैं प्लेयर टू के, ठीक है। तो इसमें ये रूल रहता है, इसमें जो पहला गेम बताया था मैंने कॉल ब्रेक, उसके सारे रूल्स रहते हैं, बस एक ये रूल ऐड हो जाता है कि इसमें वो जितने थे हैं हाथ, वो जीतने से जरूरी है आपको 10 इकट्ठा करना है, ठीक है। तो जैसे इसमें 1 10 है और इसमें वाले में एक ये 10 है, ठीक है। तो जैसे कोई भी कोई ये चलेगा ये, तो अभी से पान का पत्ता चलना है वही जैसे उसका रूल था सेम चलेगा, और जिसका वो बड़ा हुआ वो जीतेगा, और ट्रम्प कार्ड भी इसमें सेम उसी तरह बनेगा। फिर जैसे कि अगर इसने चल दिया ये 10, ठीक है, तो यही मेन ये है कि ये 10 अपने को जीत के अपने पास करना है, ठीक है। तो अब अपने पास हार्ट शेप का कोई से है नहीं, तो अपन एक ट्रम्प कार्ड बना लेंगे। तो ये ट्रम्प कार्ड बना और ये दोनों 10 आ गए अपने पास।
और इसी तरह 10 जीत के इकट्ठा करना है अपने को। इस गेम का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है। और अगर आप चारों 10 अपनी टीम में कर लेते हैं तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कॉट, यानी कि आप इन्हें वाइट वॉश कर दिया सामने वाले को और एक तरफा जीते हैं। तो अगर आपको ये तीसरा गेम भी समझ में आ गया हो तो चलते हैं चौथे गेम की तरफ। चौथे गेम का नाम है गुलाम चोर। ये मेरा पर्सनल फेवरेट गेम में से एक है। इसे 2 से लेकर 8 प्लेयर तक खेल सकते हैं, पर मेनली इसे 3 प्लेयर के साथ खेले तो ज़्यादा मजा आता है। इस गेम का ऑब्जेक्टिव है कि ये जो गुलाम है जैक, ये आखिरी में एक बचता है अपन को, ये रहता है कि जिसके पास बचेगा वो हारेगा, तो ये नहीं बचना चाहिए। तो ये गेम खेलने के लिए टोटल 4 होते हैं जैक, तो अपन 4 में से एक निकाल के साइड हटा देते हैं और अपन खेलते हैं टोटल 51 कार्ड से। 3 लोग खेलें तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। इसमें नॉर्मल जैसे पत्ते बांटते हैं उस तरह नहीं बांटते हैं, इसे जैसे कि अंदाजे से 3 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? जैसे अंदाजे से 3 हिस्से में डिवाइड किया ये, ठीक है, ये 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो अब ये रहेगा कि जो तीनों प्लेयर हैं वो एक एक चुन लेंगे और उठा लेंगे अपना, ठीक है? जैसे एक प्लेयर ने ये उठाया, एक प्लेयर ने ये उठा लिया, एक प्लेयर ने ये उठा लिया, ठीक है? और फिर अपने कार्ड्स देखेंगे और सामने वाले को नहीं दिखाना है, और आपको जो पेयर बन रहे हो उसे निकाल देना है। जैसे कि यहाँ पे ये 4 और ये 4 का एक पेयर बना तो निकाल दिया, ठीक है? और कौन कौन से पेयर बन रहे हैं, ये 6, ये 6 और ये 6 का पेयर बन रहा है तो ये भी निकाल दिया, ठीक है? और जैसे एक ये 5 और ये 5 का एक पेयर बन रहा है, ये भी निकाल दिया। और देखते हैं और कौन कौन से पेयर बन रहे हैं। ये 3 और एक ये 3 का पेयर बन रहा है, और एक ये का और एक इस 1 का पेयर बन रहा है, एक ये दोनों 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है? अब ये जितने कार्ड्स हैं ये सारे, अब इसके कहीं पेयर नहीं बन रहे हैं इसमें, नहीं कि 10 का भी पेयर बन रहा है तो ये भी निकाल दिया। अब आपके पास बचे ये कार्ड्स, ठीक है? और आपके पास एक ये गुलाम है तो अपन को ये नहीं चाहिए, ठीक है? और देखें तो अगर अब ये एक्स्ट्रा में अब हो जाएगा और इस पत्ते से खेलेगा प्लेयर 1, वैसे प्लेयर 2 भी अपने जितने हैं उसमें जो जो पेयर बन रहे होंगे वो निकाल देगा। जैसे ये 2 8 के पेयर बन रहे हैं, निकाल दिया। ये 7 का पेयर बन रहा है, ये निकाल दिया। ये 9 के पेयर बन रहे हैं, ये निकाल दिया, ठीक है? और ये दोनों गुलाम के पेयर भी बन गए, ये भी निकाल दिया, और ये क्वीन के भी पेयर बन रहे, ये भी निकाल दिया। अब इसके पास सिर्फ 3 कार्ड बचे, तो ये स्टार्टिंग से एडवांटेज में है और इसके जीतने के चांसेस हैं बहुत। तो ये प्लेयर 2 में है, प्लेयर 3 भी वैसे ही करेगा। प्लेयर 3 के भी जो जो पेयर बन रहे हैं वो निकाल देगा। जैसे 1 2 का पेयर और 1 3 का पेयर बन रहा है, ये भी निकाल देते हैं। 1 7 का पेयर बन रहा है तो ये भी निकाल दिया, ठीक है? और ये किंग का पेयर बन रहा है, ये भी निकाल दिया। तो अब ये इसके पास एक इक्के का पेयर बन रहा है तो ये भी निकाल दिया। तो अब इसके पास इतने कार्ड बचे, तो अब जो प्लेयर सब अपने कार्ड इस तरह छुपा के रखेंगे इस तरह, है ना? इसने भी अपने कार्ड छुपा लिए, ये पेयर जो बने एक्स्ट्रा कार्ड है, प्लेयर 1 ने भी छुपा लिए। तो अब जो प्लेयर 2 है वो प्लेयर 1 वाले में से एक कार्ड चुनेगा। तो जैसे कि उसने चुना ये, ठीक है, वो किसी को दिखाएगा नहीं, उसने कार्ड चुन लिया और वो अपने वाले में देखेगा। अगर उसके पास क्वीन है और पेयर बन रहा है उसका, अगर पेयर बन रहा है तो निकाल देगा, और नहीं बन रहा है फिर पास करेगा और प्लेयर 3 इसमें से कार्ड लेगा। प्लेयर 3 जैसे कि लिया ये 10, ठीक है? प्लेयर 3 ने 10 लिया, तब उसके पास देखेंगे 10 है कि नहीं, तो उसके पास 10 है तो ये पेयर निकाल देगा, ठीक है? इसी तरह पेयर निकालने और फिर प्लेयर 1 इसमें से एक कार्ड चुनेगा। जैसे उसने चुना ये 9, ठीक है, उसने 9 चुना और उसके पास है ये, उसके पास 9 नहीं है, ठीक है, तो पास कर देगा। प्लेयर 2 इसमें से चुनेगा, तो जैसे प्लेयर 2 ने ये चुन लिया गुलाम, और हमें गुलाम लास्ट में बस एक बचता है, तो गुलाम जिसके पास बचेगा हारेगा। तो अब उसके पास
उसको अब इसमें से उसका कोई सा नहीं बन रहा, तो फिर वो पास करेगा और प्लेयर टू फिर इसमें से कोई सा एक कार्ड लेगा, जैसे उसने 8 लिया तो फिर से इसका 8 का पेयर बन गया तो निकाल देगा, और इसी तरह गेम चलता रहेगा, और लास्ट में जिसके पास एक गुलाम बचेगा वो हार जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये पूरा मैं आपको गेम दिखाता हूँ। फिर मान लीजिए प्लेयर वन ने इसमें से 6 चुना, बिना देखे चुनना है ना, वो इस तरह रखेगा उसमें 6 चुनना, उसने चुना मान लीजिए 6 निकला, इसके पास 6 है पेयर बन जाएगा और ये बाहर। फिर ये एक चुने का कार्ड, जैसे इसने 9 चुना तो इसका भी पेयर बन गया 9 का, और ये 9 बाहर। अब इसके पास 2 कार्ड बचे हैं, अब इसमें से एक चुनेगा, मान लीजिए इसने ये चुन लिया गुलाम, तब गुलाम इसके पास आ गया, उसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, तब ये इसे मौका मिलेगा चुनने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें से मान लीजिए इसने 5 चुना तो फिर इसका 5 का पेयर बना, ये फिर ये चुनेगा, इसने 4 चुना, अब इसके पास कोई पेयर नहीं बन रहा, तब सामने वाला पेयर अब एक चुनेगा, मान लीजिए इसने उसने क्वीन चुना और ये क्वीन का पेयर बन गया। ठीक है, अब आपको इसमें से एक चुनना है, तो मान लीजिए आपने इसमें से ऐसे के चुन लिया, के आपने पेयर बना के रख दिया, अब आपके सारे कार्ड्स खत्म, आप फर्स्ट आ गए। अब इसमें से देखना है हारेगा कौन, तब सेकंड प्लेयर थर्ड प्लेयर को देगा, तो उसने एक ही कार्ड बचा वो ले लेगा, सेकंड प्लेयर फिर जीत जाएगा, और थर्ड प्लेयर के पास लास्ट एक गुलाम बचा और वह हार जाएगा। ये गेम है गुलाम चोर, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, आप जरूर ट्राई करिए। तो अगर आपको ये गेम आ गया हो समझ में, तो चलिए अब चलते हैं अपने पांचवे गेम की तरफ। सो गाइज, हमारा पांचवे गेम का नाम है सत्ती। इस गेम में हमारा एम ये रहता है कि हम बस अपने सारे कार्ड्स खत्म कर लें। ये गेम 4 प्लेयर खेलते हैं, तो इसमें 13-13 कार्ड 4 प्लेयर्स को दिया जाता है। हाँ, तो मैंने जैसे 4 प्लेयर में 13-13 कार्ड बांट दिए, इसमें सबसे पहली चांस वो चलेगा जिसके पास शक्ति होगी पान की, मतलब 7 ऑफ स्पेड्स। तो देखते हैं, जैसे कि इसमें इसके पास पान की शक्ति नहीं है तो ये फर्स्ट चांस नहीं चलेगा। ठीक है, फिर इधर देखते हैं, इसके पास भी शक्ति नहीं है, इसके पास है पान की शक्ति, तो फर्स्ट चांस ये चलेगा। तो जैसे इसने फर्स्ट चांस में ये रख दिया। ठीक है, तो अब अगली चांस उसके बगल वाला चलेगा, और उसे या तो 7 रखना पड़ेगा दूसरे किसी सूट का, या तो 7 से बड़ा एक 8 या 7 से एक छोटा 6। ठीक है, तो इसके पास देखें तो 6 है इसके पास, पर ये चिड़ी का है और ये पान है, तो ये नहीं रख सकता। ठीक है, तो इसके पास नहीं है कोई सा ऐसा पत्ता कि है या तो 7 रख दे या फिर चिड़ी या फिर पान का 6 या पान का 8, तो इसे अपनी चांस पास करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर ये चांस पास कर देगा, फिर उसके बगल वाले की चांस आएगी। अब इसे या तो वही अगले किसी सूट का 7 रखना है, या फिर इससे एक बड़ा या छोटा रखना है। तो देखें, तो इसके पास 2 7 है, और इसके पास इसका 6 भी है, इसका 8 भी है। ठीक है, तो मान लीजिए इसने रख दिया इसका 7, ये इसके बगल में। ठीक है, अब फिर अगली चांस आएगी इसके बगल वाले की, ये तब इसे भी रखना पड़ेगा 7, या इसके इससे एक बड़ा छोटा या फिर इससे एक बड़ा छोटा। तो ये देखें, तो इसके पास नहीं है ऐसा कोई सा कार्ड। ठीक है, तो ये चांस पास कर देगा, फिर चांस आएगी इसके बगल वाले की, ये तो ये देखें, तो इसके पास 7 है चिड़ी का, तो ये 7 रख देगा। ठीक है, ये 7 रख देगा, और अगली चांस आएगी उसके बगल वाले की, फिर इसके देखें तो ये 6 का चिड़ी है इसके पास, तो ये इसके नीचे यहाँ रख सकता है। ठीक है, इसने इसके नीचे रख दिया 6 की चिड़ी, अब उसके फिर बगल वाले की चांस, अब ये चाहे तो ये 8 इधर रख सकता है, ठीक, या फिर ये 6 इधर रख सकता है, या फिर ये जो 8 है ये इधर रख सकता है। इसके पास काफी ऑप्शंस हैं, उसके पास एक और 7 बचा है, मान लीजिए इसने ये 7 रख दिया, तो ये चारों सूट के साथ आ गए। ठीक है, अब इसके बगल वाले की चांस आएगी, और ये देखेगा इसके पास कार्ड है कि नहीं, तो इसके पास नहीं है, तब फिर इसे चांस पास करनी पड़ेगी, तो ये फिर चांस अपनी पास करेगा, अब फिर इसकी चांस, तो इसके पास ये एक 8 है, ये 8 रख सकता है चिड़ी का इधर। ठीक है,
इसमें रख दिया 8। अब इसके बगल वाले की चांस आएगी और फिर अब इसकी चांस है। तो देखिए ये 6 रख सकता है, इसके पास 2 6 हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक पे 6 रख देगा ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसने ये रख दिया, अब फिर इसकी चांस, अभी 8 चाहे तो इधर रख सकता है, तो मान लीजिए इसने 8 रख दिया इधर, अब इसकी चांस है। तो अब इसके पास देखें तो अभी भी इसके पास नहीं है कोई सा, तो इसे फिर पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर इस वाले में, इसके पास भी नहीं है, तो फिर इसे भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर इधर देखें, इसके पास ये 6 है जो कि यहाँ आएगा, तो इसने यहाँ रख दिया है, ठीक है। अब फिर इसकी चांस, तो इसके पास 8 भी है 6 भी है, तो इसने मान लीजिए ये 8 रख दिया इधर, इसने रख दिया ये 8, ठीक है। अब फिर उसके बगल वाले की चांस, अब देखें इसके पास है कि नहीं कोई सा, तो अभी भी इसके पास कोई सा नहीं है, इधर है, इधर ये 5 रख सकता है, तो इसने 5 रख दिया, ठीक है। अब फिर इसकी चांस है, तब इसे रखना है, तो ये कौन सा रख सकता है, ये अभी इसके पास कोई सा नहीं है जो रख सके, इधर ये रख सकता है या तो दिल का ये 8 या 5, इधर 9 या 5, यहाँ पे, यहाँ पे 9 या 6 और यहाँ पे 9 या 4। तो देखें तो इसके पास 9 दिल का है पर ये रख नहीं सकता, ठीक है। तो फिर इसे चांस पास करनी पड़ेगी, फिर इसने पास किया, तो अब इसकी चांस, ठीक है। तब ये कौन सा रख सकता, ये 9 रख सकता है यहाँ पे, तो इसने रख दिया, ठीक है। फिर इसके बगल वाले की चांस, अब ये 6 रख सकता है, तो इसने 6 रख दिया, ठीक है। अब इसमें देखें तो इसके पास अब ये 4 रख सकता है चिड़ी का, इसने 4 रख दिया, ठीक है। अब इसकी बारी है, तो ये चिड़ी का 10 रख सकता है, तो इसने 10 रख दिया, ठीक है। अब इसकी चांस है, अब ये 5 रख सकता है पान का, इसने रख दिया, अभी 9 रख सकता है पान का, तो इसने 9 रख दिया, ठीक है। और ये पांच रख सकता है दिल का, इसने 5 रख दिया, ठीक है। इसी तरह सब रखते जाते हैं और जिसका पत्ता सबसे पहले खत्म होता है वो इस गेम को जीत जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर भी कर दें वीडियो को, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो अच्छी चली तो मैं एक और वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें 5 गेम्स और बताऊंगा कार्ड से जो खेल सकें। तो थैंक यू।